सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है जी थोड़ा सारिया का साडे यूट्यूब चैनल पर। तो लैके आप हाजिर हुए जी इस वेले की वड्डी खबर। इस वक्त की वड्डी खबर आ रही है स्रोते वीरों, पंजाब के मौसम को लेकर मौसम विभाग वालों हुणे हुणे वड्डा अलर्ट जिहड़ा जारी किया गया है मीं नूं लैके, उस बारे आप ताज़ा जानकारी लैके पेश हो गए। वीडियो नाल अंत तक बने रहना तां जो तुहानूं अपने अपने इलाकें दे मौसम की जानकारी पता लग सके। ते जिन्हां वीरां ने हजे तक चैनल नूं सबसक्राइब नहीं किया, कृपा करके जल्द तो जल्द चैनल नूं जरूर सबसक्राइब कर लो जी, तां जो इस तरह दीआं खबरां तुहानूं मिलदीआं रहिआ करन। सो दोस्तों, मौसम के प्रति बहुत वड्डी खबर सामने निकल के आ रही है। हुणे हुणे मौसम विभाग वल्लों वड्डा अलर्ट जारी हो गया है। गल करिए जिलावार, सब तो पहला गल करते हैं जिमें कि बठिंडा, श्री मुक्तसर साहब, फाजिलका, फरीदकोट, फिरोजपुर, मानसा, संगरूर, बरनाला, पटियाला, मोगा, अबोहर, मलोट, रामपुरा मंडी, कुछ किसे गिदड़ावा मंडी तो तलवंडी साबो दे भी हो जाएंगे। तो जेकर इन इलाकों की गल की जाए स्रोते वीरों, तो दस दिए इन इलाकों के मौसम जिहड़ा आउंदे थोड़े समय तक, यानी कि आप कह सकते हैं 40 to 50 मिंटा के अंदर अंदर आपू मीह देखने मिल सकता है। हालांकि मीह की रफ्तार ज़्यादा तेज़ नहीं होगी, हल्की बूंदाबांदी आपको कुछ केसों में देखने मिल सकती, तो कुछ केसों के हल्के तो दरम्याना मीह पै सकता है, पर बदलवाई आपू लगभग सारे हिस्सों के ही पंजाब के देखने मिलने वाली है। इस दे नाल ही स्रोत वीरों दस दी कि हवावां भी ठंडियां चलनगियां, जिस कारण ठंड के भी आपू वाधा हों देखने मिलने वाला है। उस तो बाद गल करिए आप अगले जिले की, जिमें कि चंडीगढ़, मोहाली, आनंदपुर साहब, इस दे नाल पठानकोट, गुरदासपुर, इस दे नाल कुछ हिस्से लुधियाने के हो जाएंगे। तो इन इलाकों की गल करिए गंगानगर के कुछ हिस्से, तरन तारण के, श्री अमृतसर साहब के हिस्से, इन इलाकों की गल करिए इन इलाकों के भी बदलवाई देखने मिलने वाली है आते ही कुछ समय तक। तो ही स्रोत वीरों दस दी कि इन इलाकों भी मीह के सार मौसम विभाग वालों जताए गए हैं। हालांकि ज़्यादा तेज़ रफ्तार नाल भारी मीह के सार घट ने, पर हल्के तो दरम्याना मीह भी आपको इन इलाक देखने मिल सकता है। सो यह जी मौसम की ताज़ा अपडेट आ रही थी। वीडियो वो तो वह जिन्ना उसके रिश्तेदार दोस्तों मित्रों के नाल, खास करके साडे किसान भरावां नाल जरूर शेयर कर दो, मौसम की ताज़ा जानकारी पता लग सके। धन्यवाद।